फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निक स्टडी। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एग्ज़ाम कैलेंडर रिलीज़ किया है, जिसके अंदर आने वाली एग्ज़ाम्स की डेट उन्होंने फाइनलाइज़ की है। जैसे कि आपको पता है कि SSC GE 2018 की एग्ज़ाम अभी अभी ख़त्म हुई है, जिसके आंसर की रिजल्ट आने अभी बाकी है। पर 2019 की SSC एग्ज़ाम्स के डेट्स उन्होंने रिलीज़ कर दी है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 9th जो पॉइंट है, जिसमें जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड क्वांटिटेटिव सर्वे एंड कॉन्ट्रैक्ट एग्जामिनेशन 2019 पेपर 1, इसकी आप देख सकते हैं कि डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, डेट ऑफ और क्लोजिंग डेट 9th पॉइंट में देखिए, डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट थी 13/8/2019 और क्लोजिंग डेट थी 12/9/2019। और इसके प्रीलिम एग्ज़ाम होने वाली है 30/3/2020 को, या फिर 2/4/2020, इनके बीच में ही वो अरेंज करने वाले हैं। मतलब जूनियर इंजीनियरिंग 2019 की एग्ज़ाम, प्रीलिम एग्ज़ाम हम 30/3/2020 और 2/4/2020 के बीच में दे सकते हैं। दूसरी बात ये कि अगर आपने 2018 की एग्ज़ाम दी हुई होगी, तो उसका भी आप पेपर 2 जो 6th पॉइंट में देख सकते हैं, पेपर 2 होने वाला है 29 December 2019 को। 6th पॉइंट में देखिए, नंबर 6, जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड क्वांटिटी सर्वे एंड कॉन्ट्रैक्ट एग्जामिनेशन 2018, जिसकी एग्ज़ाम अभी भी हुई है प्रीलिम, उसका पेपर 2 December को तय किया गया है। वैसे ही जूनियर इंजीनियर 2019 का प्रीलिम का पेपर 30/3/2020 और 2/4/2020 के बीच में होने वाला है। तो वैसे देखा जाए तो हमारे पास में भी फ़िलहाल 4 से 5 महीने हैं, जिसके नाम प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। इतना टाइम सफिशिएंट होता है एग्ज़ाम प्रिपरेशन करने के लिए। जैसे कि आपको पता ही होगा कि पैटर्न्स क्या है SSC एग्ज़ाम का, जिसमें रीजनिंग आने वाली है, अवेयरनेस आने वाला है और इंजीनियरिंग डिसिप्लिन आने वाला है। तो 4-5 महीने में आप इंजीनियरिंग डिसिप्लिन अच्छे से आपका स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और रीजनिंग तो इतनी कुछ हाई लेवल की नहीं आती है। जनरल अवेयरनेस भी हम कंटिन्यू फॉलो करेंगे, तो हम उसको भी अच्छे से पकड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।